मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, एक हॉस्पिटल रूम दिखाया जाता है जहां डायनासोर पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाना होता है। दूसरी तरफ एक आदमी डॉक्टर कार्सन को कहता है, हम दुनिया बदल रहे हैं। डॉक्टर उसे कहता है, मैं कहता हूँ हमें और टाइम की जरूरत है, कोई खतरा ना हो जाए। वो आदमी कहता है, यहाँ जो भी हो रहा है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है। दूसरी तरफ वो डायनासोर को ले आते हैं, हर तरफ सारे डोर लॉक कर दिए जाते हैं। डॉक्टर कार्सन फिर कहता है, मैं कह रहा हूँ हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी बात को इग्नोर किए बगैर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। इधर सब लोग उसे गौर से देखते हैं, लेकिन डायनासोर अपनी आंखें खोल लेता है और उठ जाता है। डॉक्टर कार्सन कहता है, डोर ओपन कर दो, वो लोग फंस गए हैं और खतरे में हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दो। लेकिन उसका सीनियर कहता है, सब खड़े रहो, वो खून सूंघ रहा है। इतनी देर में वो नीचे उतर आता है और वहाँ एक लेडी को खा जाता है। इतनी देर में कंट्रोल रूम से गैस छोड़ दी जाती है और उस पर फायरिंग भी करते हैं, उस पर कोई असर नहीं होता, वो सब लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो फायर फाइटर होता है, अपनी बेटी जिसका नाम जे होता है उसे लेकर कहीं जा रहा होता है। जे अपने डैड से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसका डैड कहता है, एक स्पेशल जगह, तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। वो उसे एक म्यूजियम में ले आता है जहाँ डायनासोर एग्जीबिशन में दिखाए जाने होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डोलरन अपने लोगों को कहता है, सारे इंतजामात अच्छे होने चाहिए, लाइट्स को डिम करो और सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए। इधर एक लड़की आकर कहती है, मिस्टर वार्क्सो आपसे मिलना चाहते हैं। इधर बड़े बड़े पिंजरों में डायनासोर को रखा होता है। मिस्टर डोलरन के सर, हम शो के लिए तैयार हैं, आप जब चाहें शुरू कर सकते हैं। मिस्टर वार्क्सो कहता है, हम नहीं चाहते कि ये पूरे शहर में सैर के लिए निकल जाएं, वहां मेरे छोटे पोते पोतियां भी हैं। मिस्टर डोलरन कहता है, ऐसा नहीं होगा, हमने सिक्योरिटी को डबल कर दिया है। टाइटेनियम की तारें पिंजरे के चारों तरफ लगी हैं, वो 10 इंच की हैं। मिस्टर वार्ड्स को कहता है, चलो शो शुरू करते हैं। यहाँ शो स्टार्ट होता है, सारी ऑडियंस बैठी होती है। फायर फाइटर अपनी बेटी को बताता है, यहाँ से तुम इसका पूरा मजा ले सकती हो। वो उसे कहता है, वो देखो टोरोडाइन, वो अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं जब वो शिकार पकड़ते हैं। कभी कभी वो शिकार को अपने घोंसले तक ले जाते हैं ताकि शिकार घोंसले से ना भाग सके, फिर टोरोडाइन उसे आराम से वापस आकर खा सकें। स्टेज पर एक लड़की आती है जो बताती है कि आग में मैं जल गई थी, तो मैं जेनेटिक शार्ट का एहसान मानती हूँ, उस आग ने मेरी बॉडी को पूरी तरह जला दिया था। जेनेटिक शार्ट की जादुई टेक्नोलॉजी का थैंक्स करती हूँ, आज मैं एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट औरत हूँ। फिर वो लड़की मिस्टर वार्ट्सको को स्टेज पर बुलाती है और वो अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। इधर वो लड़की जे म्यूजियम से बाहर चली जाती है। मिस्टर वार्ट्सको कहता है, अभी साइंस ने और बहुत तरक्की करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जेनेटिक शार्प ने अभी तक 125,000 लोगों की हेल्प की है, जले हुए लोगों को अच्छा किया है, हम ऐसे सबकी हेल्प करेंगे। और आज हम डायनासोर से क्या कुछ नहीं कर सकते। हर तरफ से पर्दा उठाकर डायनासोर को दिखाया जाता है। ऑडियंस एक्साइटमेंट में पिक्चर बनाना शुरू कर देती है। मिस्टर वार्क्सो कहता है, हम इनसे बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। कंट्रोल रूम से आवाज आती है, अब इन्हें एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है और हम देखेंगे मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का जादू पूरी दुनिया पर छा जाएगा। वो उन सारे डायनासोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इधर मिस्टर वार्ड्स को कहता है, हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट है, जो काबू में नहीं आते हम इनको काबू में रख सकते हैं। आप लोग पहले हैं जो इन्हें देख रहे हैं। एक डायनासोर जिसे जेनेटिक शार्प से न्यू बनाया गया था और इसे पूरी दुनिया में आगे भेजा जाएगा। कंट्रोल रूम से कहा जाता है, वापस पिंजरे में ले आओ। लेकिन वो दूसरे डायनासोर को देखकर बेकाबू हो जाता है, जिससे ऑडियंस डर जाती है। और मिस्टर वार्क्सो कहता है, हमने इनको बनाया है और इनके पिंजरे बहुत मजबूत हैं। वो बेकाबू होकर पिंजरा तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। वहाँ एक कहराम मच जाता है, हर कोई अपने आप को बचाने लगा होता है। वो आदमी अपनी बेटी जे को ढूंढता है और उसे कॉल भी करता है। दूसरी तरफ सारे म्यूजियम के डायनासोर और साथ में उनके कुछ बर्ड्स भी होते हैं, सब निकल आते हैं, वो लोगों पर अटैक करते हैं। इधर जे को भी कुछ फील होता है कि कुछ हो रहा है। इतनी देर में पुलिस आ जाती है। एक डायनासोर जे के पीछे लग जाता है। वो एक बेसमेंट में अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेती है। इतनी देर में उसका डैड आ जाता है, पीछे से डायनासोर को मार देता है। जे अपने फादर से कहती है, आप तो फायर फाइटर हैं, आपको कुछ करना होगा। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और बताता है, इस पूरी बिल्डिंग में डायनासोर फैले हुए हैं, आप अंदर पूरे हथियार और तैयारी के साथ आए। पुलिस वाला कहता है, ये मजाक अच्छा नहीं है। फिर वो डायनासोर की पिक्चर बनाकर सेंड करता है। पुलिस वाले अंदर जाते हैं। यहाँ ऊपर एक हेलीकॉप्टर पर एक लेडी अपने ऑफिसर को ब्रीफ कर रही होती है।
दूसरी तरफ मिस्टर वार्क्स हो मिस्टर रोलर के बीच फाइट होती है। वो उसे कहता है, मेरे पास की है जिससे ये वेयरहाउस बंद हो सकता है, बिना मेरे ये शहर बर्बाद हो जाएगा। इतनी देर में वो फायर फाइटर आता है और कहता है, इस बेसमेंट में मेरी बेटी फंसी हुई है, वहाँ एक खास किस्म का इलेक्ट्रॉनिक लॉक है जिसे मैं खोल सकता हूँ। वो उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? फिर वो बताता है कि मैं फायर फाइटर हूँ और अपना कार्ड भी दिखाता है। वो सारे इनके साथ जाते हैं। इनमें से एक डॉक्टर कार्सन को डायनासोर खा जाता है। नेक्स्ट पुलिस डायनासोर पर फायरिंग करती है, जहाँ जे को उसका अंकल कैबिन से निकाल देता है। इधर मिस्टर डोलन को डायनासोर खा लेता है। दूसरी तरफ बड़ा डायनासोर और इसके साथ कुछ बर्ड बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। पुलिस की फायरिंग का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। कुछ बर्ड पुलिस वालों को उठाकर ले जाते हैं। डायनासोर पुलिस वालों को भी खा जाता है। इधर जे अपने फादर के साथ एक गाड़ी में बड़ी तेजी से जा रही होती है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर लग जाता है। आगे जाकर उनकी गाड़ी से फ्यूल खत्म हो जाता है। वो गाड़ी को छोड़कर एक मॉल में एंटर हो जाते हैं। वहाँ भी बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और सारे लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं। लॉस एंजल्स शहर को बंद कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में रहें। इस टाइम लॉस एंजल्स जंगल बना हुआ है। इतनी देर में जे वहाँ से भागती है और कहती है, भागो। इतनी देर में वहाँ एक डायनासोर आ जाता है जो कुछ लोगों को खा लेता है, बाकी ने आपको बचाने में लग जाते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर पर कवरेज करने वालों को भी डायनासोर खा जाता है और हेलीकॉप्टर गिरने से पास की बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जे अपने आप को बचाते हुए एक पिंजरे में बंद कर लेती है। इसका डैड भी वहीं आ जाता है और इसे निकाल कर ले जाता है। वो दोनों एक बुटीक में जाते हैं। उनके पीछे डायनासोर आ जाता है। इधर म्यूजियम का डोर तोड़कर सारे डायनासोर सड़कों पर भागना शुरू कर देते हैं। मिस्टर वार्क्सो हेलीकॉप्टर पर होता है। इधर वो जे को एक बिल्डिंग की छत पर देख लेता है। वो हेलीकॉप्टर रोकने और नीचे उतारने को कहता है। वो उसे कहती है, मेरे डैड नीचे हैं, आप उनकी मदद करें। वो इसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे कहती है, मेरे डैड फायर फाइटर हैं, वो कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ते, मैं अपने डैड को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इधर दोनों बाप बेटी छत पर खड़े होते हैं। पीछे से डायनासोर आते हैं, इनको खाने लगते हैं। आगे से हेलीकॉप्टर को लेने आ जाता है और बिल्डिंग टूट रही होती है। वहीं पर एक परिंदा जे को उठाकर ले जाता है। वो इनके पीछे जाते हैं। परिंदा उसे कहीं पहाड़ियों में छोड़ देता है। नेक्स्ट जे का फादर हेलीकॉप्टर वहीं लेके जाता है और वो परिंदा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। फायर फाइटर उसे कहता है, मुझे पकड़ो। वो परिंदे को अपनी तरफ हेलीकॉप्टर में बुलाता है। परिंदा उसे मारने लगता है। वो हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और वो परिंदा मर जाता है। इधर दोनों बाप बेटी एक साथ मिल जाते हैं और यूं मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।